तो हम एक ऐसे रेसलर की बात करेंगे दोस्तों, जो जिसका एक डीमन कैरेक्टर है, जो कि अभी तक किसी से भी नहीं हारा है। तो मेरा नाम है अर्शद, आप देख रहे हैं स्मार्ट रेसलिंग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। वो डीमन कैरेक्टर पहचाना जाता है डेविड के नाम से, फिन बैलर के नाम से, प्रिंस डेविड के नाम से, और उनका नाम है द डीमन किंग फिन बैलर। जी हाँ दोस्तों, ये फिन बैलर का एक ऐसा डीमन कैरेक्टर है दोस्तों, जो कि अभी तक एक मैच भी नहीं हारा है। जी हाँ दोस्तों, जब से उनका डेब्यूट हुआ है WWE में, NXT हो, चाहे चाहे वो WWE का मेन रोस्टर हो, हर एक से मैच हुई उनकी, तो वो अभी तक अनडिफिटेड रहे हैं दोस्तों। र्यूमर्स में आ रहा था दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर के साथ भी आ सकते थे वो, लेकिन ब्रॉक लेसनर से हार सकते थे, इसलिए उन्हें रॉयल रंबल में नहीं लाया गया। क्या पता ब्रॉक लेसनर को भी हरा देते हो, इतना पावरफुल है इनका ये डीमन कैरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये समर स्लैम में ही यूज़ करते हैं इस डीमन कैरेक्टर को। अभी र्यूमर्स में आया था कि रेसलमेनिया में भी आएगा इनका डीमन कैरेक्टर अगेंस्ट द अंडरटेकर, लेकिन इनकी मैच तय हो गई बॉबी लैशली के साथ। तो दोस्तों, ये फिन बैलर का एक बहुत ही पावरफुल हथियार है दोस्तों, जिसे वो मुसीबत पड़ने पर ही यूज़ करते हैं, और दोस्तों बहुत जल्दी हरा देते हैं रेसलर को। बहुत उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है इस डीमन कैरेक्टर को अगर उन्होंने ला लिए तो। अभी तक वो अनडिफिटेड रहे हैं दोस्तों इस डीमन कैरेक्टर से। तो क्या होगा इस डीमन कैरेक्टर का राज, क्या पता दोस्तों। बहुत पावरफुल बन जाते हैं फिन बैलर, अभी तक वो एक मैच भी नहीं हारे है फिन बैलर के रूप से, डीमन फिन बैलर के रूप से अभी तक एक मैच भी नहीं हारे हो। क्या पता कि कौन होगा वो फर्स्ट रेसलर जो डीमन फिन बैलर को हराएगा। दोस्तों, आपको कौन लगता है कि वो कौन हो सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आपको अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।